भारतीय खेती में आपका स्वागत है। आज हम जॉन डियर का 5405 गियर प्रो B14 इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। ये ट्रैक्टर 2020 का लॉन्च है। ये ट्रैक्टर की पूरी जानकारी देंगे आज आपको, कितने क्या फीचर्स इसके अंदर, कितने HP का है, क्या क्या इसकी खूबियाँ हैं। तो हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। वीडियो के नए नए आ रहे हैं चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम बात करेंगे सबसे प्रथम इसके इंजन की। तो इंजन जो है इसका, वो आपको खोलते हैं जरा इसका बोनेट। फिर ऐसा सिस्टम है, देखो बोनेट भी यहाँ पर। इसका इंजन जो है इसका 3 सिलेंडर के साथ आपको मिलता है। 3 सिलेंडर 63 HP के साथ आपको ये कंपनी 63 HP के साथ देती है। और इसके रेटिंग RPM की कितनी शक्ति बनाता है, 63 HP के साथ कितनी शक्ति के RPM बनाता है ये, तो ये 2100 RPM बना देता है आपको 3 सिलेंडर 63 HP के साथ। और इंजन CC की बात करें तो कंपनी ने 2900 CC का इसमें इंजन लगाया है, 2900 CC। और एयर फिल्टर की बात करें, इसका एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर है ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट। ये डुअल एलिमेंट एयर फिल्टर है, यहाँ पर इसके दिया गया है डुअल एलिमेंट। दो एलिमेंट में जब का फिल्टर है, आपको सांस से हवा छन के मिलेगी डुअल फिल्टर के साथ। और इसका कूलिंग सिस्टम जो है, कूलिंग सिस्टम जो दिया गया है कूलेंट विद ओवल फ्लो कूलिंग सिस्टम इसमें दिया गया है। इंजन बहुत ही सक्सेस इंजन है इसका, काफ़ी तगड़ा इंजन है, तरह बहुत होती है इसकी। और यहाँ पर ये पावर स्टीयरिंग दिया गया है, इस जगह देख लीजिए आप। और बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की, जो अंदर इसके ऊपर चलना पड़ेगा, इस चलने का कितना अच्छा तरह पायदान दिया गया है यहाँ पर। यहाँ पर इंजन के लिए ये कि आपको गर्म हवा ना आए, इसलिए दिया गया है। बात करते हैं इसके क्लच की, तो क्लच जो दिया गया है इसमें डुअल क्लच दिया गया है, यहाँ पर डुअल क्लच दिया गया है, कितना अच्छा है देखिए, डुअल क्लच है। और जी इसके गियर की बात करते हैं, गियर यहाँ पर अब इसके गियर प्रो कर दिया है ये, यहाँ पर ये न्यूट्रल है, ABC पहले हाई लो हुआ करता था, अब ABCD कर दिया गया है। यानी आप एक गियर के में पहले बैक में ए में बैक ले सकते हैं, बी में भी बैक ले सकते हैं, और सी में भी, और डी में भी। यानी कि जो है पहला बैक गियर भी आप 4 तरह से बैक कर सकते हैं। और इधर इसके गियर हैं, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर गियर दिएगा। और रिवर्स जो है इसके फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड जो गियर है वो 3 दिए गए, 3 यानी 4 में, यानी 4 12 दे दिए गए हैं। और इसकी बात करते हैं फॉरवर्ड गियर की, 12 बता दिए हैं आपको, रिवर्स गियर 4 हैं इसमें। और देखिए यहाँ इसकी RPM मीटर दिया गया है, इधर ऑयल मीटर दिया गया है, यहाँ घंटे यानी कितने घंटे चलाया ट्रैक्टर उसका मीटर दिया है, यहाँ 12 वोल्ट का आपको स्विच मिल जाता है एक। और ये स्टीयरिंग की बात करते हैं, पावर स्टीयरिंग है ये, और यहाँ एडजस्टेबल स्टीयरिंग है इसका, ये उठा करके ऐसे कितना एडजस्टेबल आपको कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे कितना भी कर सकते हैं आप, ये तो ऊपर आ गया, ये आप नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर उठा करके नीचे भी कर सकते हैं। बहुत ही फीचर्स दिए हैं इस ट्रैक्टर में। और बात करते हैं इसकी जो है आपको स्पीड की, फॉरवर्ड स्पीड, ये स्पीड कितनी निकालता है ट्रैक्टर, ये स्पीड जो निकालता है ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा से 32.6 किलोमीटर प्रति घंटा ये आगे को दौड़ सकते हैं, यानी इतनी दौड़ है इसमें, इतनी भाग, इतना आगे को दौड़ सकता है, भाग सकता है। रिवर्स स्पीड की बात करें इसकी, तो रिवर्स स्पीड 3.5 किलोमीटर से 22.9 किलोमीटर तक ये बैक यानी पीछे को भाग सकता है। और यहाँ पे इसकी PTO दी गई है कि PTO में आप यहाँ से PTO चला सकते हैं। और इसकी ये जो है यहाँ पर आप बैठे हैं, इसकी सीट बहुत एडजस्टेबल है, आपको दिखा देता हूँ, सीट बहुत एडजस्टेबल है इसकी, यहाँ पर कितने बैठने बहुत आरामदायक, किसान बहुत ही लंबे समय तक बैठकर जुताई यहाँ पर कर सकते हैं। और साइड की भी बात करें, यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिक्स दी गई है, हाइड्रोलिक्स का बहुत अच्छा सिस्टम दिया है इन्होंने, आगे पर एक बार सेट कर लीजिए, यहाँ से आप ऊपर नीचे गिरा सकते हैं, यहाँ से आप ऊपर नीचे गिरा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। आपको पीछे भी दिखाएंगे, एक चीज़ पीछे ही बढ़ाई दी गई है। और ब्रेक्स की बात करें इसमें, ब्रेक्स जो लगाए गए हैं इसमें ऑयल एंड बेस्ट ब्रेक लगाए गए हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छे ब्रेक्स हैं ये, ट्रैक्टर एकदम यहाँ पर जहाँ पर रोकना चाहते हैं वहीं पर जाम हो जाएगा। इधर भी आपको एक यहाँ पर लगाया है ग्लास कि जिससे गर्म हवा इंजन के पीछे ना आए, कि गर्म हवा पीछे ना लगे, ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। और इधर यहाँ पर एक आपको मिरर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक ये आप बोतल रख सकते हो या कुछ भी अपने काम की चीज़ पानी पी रख सकते हैं, यहाँ पर रखने के लिए आपको मिल जाता है। और यहाँ अगर ये आपको यहाँ पर ही मिलता है, आप अगर गाड़ी में जुताई कर रहे हैं, आपको ट्रैक्टर स्लिप काटर, तो आप इसकी सहायता भी ले सकते हैं। और ये आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ इसके बल्ब मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स मिल जाते हैं आपको, इंडिकेटर्स। और यहाँ देखिए बैठने के लिए आप 2 आदमी आराम से बैठ सकते हैं, कितने अच्छी तरह से दिया गया है।
और ये सीट का स्टैंड देखिए, साइड में दोनों साइड सीट स्टैंड दिया गया है। सीट स्टैंड कितना अच्छे, तो आप इधर नहीं सकते इधर नहीं सकते, बीचों बीच बैठे रहेंगे, कितना भी तकड़ा आदमी यहाँ पर बैठ सकता है। बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर दिया गया है, ये इसके इंडिकेटर देखिए, इतने प्यारे इंडिकेटर्स दिए गए हैं। बहुत ही अच्छी खूबी से यहाँ पर इसे कंट्रोल लैस करा गया है, बहुत ही अच्छी खूबी से। यहाँ पर आपको ऊपर टूल मिल जाता है इसका, एक यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, अच्छा टूल है। यहाँ भी आपको इसकी लाइट्स मिल जाती हैं जो आपको इंडिकेटर के रूप में मिल जाती हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे फीचर्स के साथ ये ट्रैक्टर आपको मिल रहा है, सब बताते हैं अभी। और आप बात करते हैं इसकी पिछले धुरे की, पिछला धुरा मतलब कंपनी ने कैसा बनाया है, किस प्रकार से पिछला धुरा बनाया गया है इसका। तो आपको आपको डुअल प्रेशर मिल जाता है, डुअल प्रेशर के साथ एक आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड मिल जाता है, आप कुछ भी लगा सकते हैं इसमें। बात करते हैं इसकी पीटीओ की बात करते हैं, तो पीटीओ इसकी अभी तो रिकवर्ड है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं आपको हम। इसकी पीटीओ डबल पीटीओ है, ये डबल पीटीओ यानी 540 चक्कर आपको एक पर 1600 आरपीएम पे देगा, और 540 चक्कर ई यानी कि डबल है ना ये, तो 2100 आरपीएम पे देगा। तो बहुत अच्छा है ये 2100 आरपीएम पे, दो डबल पीटीओ है ये, तो आपको 2100 आरपीएम पे भी देगा। फ्यूल टैंक की बात करते हैं, फ्यूल टैंक गाड़ी वाला दिया गया है यहाँ पर देखिए, ढक्कन इसका ये बंद करने के लिए 68 लीटर का फ्यूल टैंक लगाया गया है इसमें, 68 लीटर बहुत काफ़ी होता है, आप भर सकते हैं। और हाइड्रोलिक्स की बात करी थी, हाइड्रोलिक्स यहाँ पर आकर आप पीछे टीलर या रोटावेटर कोई भी सामान जोड़ना है इसमें, तो यहाँ पर आप इसे चला सकते हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ पर इसे क्या आवाज़ बहुत जोर की है इस ट्रैक्टर की। और इसकी हाइड्रोलिक यानी कि कैपेसिटी की बात करें तो 20 क्विंटल की कैपेसिटी है इस ट्रैक्टर की, 20 क्विंटल की कैपेसिटी है इस ट्रैक्टर की, ये 20 क्विंटल वजन अपनी हाइड्रोलिक से उठा सकता है, तो बहुत अच्छे हैं। और इसके पीछे धुरा बहुत मजबूत दिया गया। बात करते हैं इसके टायरों की, टायरों कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसके टायर लगाए गए हैं, बहुत अच्छा तरीके से बहुत बड़े बड़े टायर लगाए हैं। अगला टायर की बात करें तो अगले 6/50/20 के अगले टायर लगाया गया है इसमें, और पिछले टायर की बात करें तो आपको 16/9/30 के 16/9/30 के पिछले टायर मिल जाते हैं इसके। उसके बात करें हम इसके व्हील बेस की, तो व्हील बेस के 2050 mm का व्हील बेस इसमें लगाया गया है इस ट्रैक्टर में। और बात करते हैं इसके, यहाँ पर 2 wheel में मिल सकता है और 4x4 में भी, दोनों में आपको यहाँ पर अवेलेबल है। और वारंटी की बात करें इसकी, वारंटी की तो 5000 घंटे या 5 year जो होगी पहले वही वारंटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और इसको आपको जो पीटीओ हमने बटन दिखाए थे उनके अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं यहाँ पर कि वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। आप चलाते हैं कि पीटीओ पीछे से एक बार आगे दिखा दो भाई, एक बार ये यहाँ पर आगे से कर रहे हैं भाई, देखो ये आराम से नीचे जा रही है, ऑयल जाम हो रहा है अभी, यहाँ देखिए यहाँ से उठ गई। बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है, आप इसे ले सकते हैं बिजनौर में आकर के ले सकते हैं, एजेंसी है इनकी, क्या नाम है आपकी एजेंसी का, शिवराज ट्रैक्टर एजेंसी है बिजनौर में, आपके ले सकते हैं रेलवे स्टेशन से आगे जाकर थोड़ा ले सकते हैं। इसकी कीमत बात हुई एक बार, कीमत कितनी ऑन रोड 9,05,000 रुपये कम था ऑन रोड इसकी भाई, तो आप इसे ले सकते हैं आकर के, आपको कमेंट में नंबर दे देंगे, उस नंबर पर पूरी जानकारी ले सकते हैं और ट्रैक्टर ले सकते हैं आप। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।